डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आर एंड एस नॉमनक्लेचर इन फिशर रिप्रेजेंटेशन। कि फिशर रिप्रेजेंटेशन में हम आर और एस कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो बिल्कुल वही करना है आपको जैसा कि हमने फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में किया था, कि सबसे पहले हम सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग जो भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जो ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे उनको हम प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देना मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, तो बस उसमें आपको नंबरिंग करनी है। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, नंबर सेकंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फिर ये चेक करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। जैसा कि आपको बताया फिशर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाते हैं, ये दो लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है और दूसरी हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो हमारी जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है इसमें हमें सिर्फ ये चेक करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन पर आना चाहिए, चाहे तो वो बॉटम हो और चाहे वो टॉप हो, बस इसी लाइन पर वो होना चाहिए। तो अगर वो इस लाइन पर है तो फिर हम मूवमेंट देखेंगे अपना, 1 से 2, 2 से 3। तो 1, 2, 3 मूव करेंगे, और अगर ये 1, 2, 3 मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें कि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। अच्छा देखिए, वैसे भी इसमें दो ही लाइन है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो या तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर होगा या फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, और तब हमारा ये मूवमेंट जो हम चेक करेंगे कि क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज S। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हमने प्रायोरिटी दी, ब्रोमीन को नंबर 1 जाएगी, क्लोरीन को 2, फ्लोरीन को 3, और हाइड्रोजन तो मैंने आपको बताया ही है, जहां पर भी हाइड्रोजन हो वो तो फोर्थ प्रायोरिटी जाएगा ही जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा इस वर्टिकल लाइन पर है। तो अब हम मूवमेंट देखेंगे, ये 1 से 2 और 3। तो जब 1, 2, 3 हम मूव कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमें लिखना है R। तो इसका R कॉन्फ़िगरेशन है, और हमारी फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो वर्टिकल प्लेन पर भी है, वर्टिकल लाइन पर भी है। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला होता है उसमें फोर्थ प्रायोरिटी आपको याद रखनी है कि वो बिलो द प्लेन होनी चाहिए, और यही बात फिशर रिप्रेजेंटेशन में भी होती है। देखिए, एक्चुअल में फिशर रिप्रेजेंटेशन होता कैसा है, ये इस तरीके का होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये अबव द प्लेन होती है, और जो ये वर्टिकल लाइन से हमने दिखाया हुआ है ये होता है बिलो द प्लेन। तो देख रहे हैं आप, इसमें भी जो वर्टिकल हम जो याद कर रहे हैं इसमें कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, तो यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन जो है वो एक्चुअली बिलो द प्लेन होती है। तो यहाँ पर भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन ही है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी हमारा बिलो द प्लेन होना चाहिए, चाहे आपका फ्लाइंग वेज हो चाहे आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन हो। तो अगर आपको फिशर रिप्रेजेंटेशन की ये फॉर्म याद होगी तो फिर बस आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये बिलो द प्लेन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस तरह से याद है तो आपको फिर अलग अलग याद करना पड़ेगा, फ्लाइंग वेज में बिलो द प्लेन और फिशर रिप्रेजेंटेशन में वर्टिकल लाइन, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अच्छा, जैसे ये वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में नंबर 1 ऑक्सीजन को, क्योंकि ये सारे तो कार्बन एटम्स हैं ये दोनों, तो इसलिए ऑक्सीजन को नंबर 1 जाएगी। अब इन दोनों में हम डिसाइड करेंगे, तो देखिए इन दोनों में पहला एटम तो कार्बन है इसलिए उसे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर हम सेकेंड एटम पे जाएंगे, देखिए सी एच ओ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम ऐसे लिखेंगे, ये बॉन्ड जो मैंने नीचे वाला बना दिया इसको हम लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं खोल के अगर हम लिखें। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये लाइन बॉन्ड जो है ये बना दिया मैंने, ये हमारा हो जाएगा H, ये भी H, और ये बचेगा एक OH, तो ये हो जाएगा CH2OH। तो क्योंकि इस कार्बन से तो हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेकेंड एटम पे जाएंगे। सेकेंड एटम अगर हम यहाँ देखें, कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब हम इस वाले एटम को डुप्लीकेट मानेंगे, यानी एक तो है ही, एक और बनाना पड़ेगा हमें कार्बन से, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये कार्बन जो है दो ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड माना जाएगा। तो ये बॉन्ड नीचे वाला ही बॉन्ड रहेगा C, ये दो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो गया, और ये हाइड्रोजन तो यहाँ ऑलरेडी है ही। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये जो ग्रुप निकल के आए, ये क्या निकल के आए, O, O और H, और यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट ग्रुप, ये H है, फिर ये H है और ये ऑक्सीजन है, यानी ये H है, ये H है और ये ऑक्सीजन है। तो हमें कंपैरिजन करना है इसमें और इसमें। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ दो ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो इसलिए जो है ये CHO ग्रुप को हम
टू प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो ये हो गया टू प्रायोरिटी, यहाँ पर थ्री, और ये हमने दे दिया इसको फोर। फिर से हम मूवमेंट देखेंगे, तो ये वन टू थ्री, फिर हम क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इसलिए ये आर कन्फिग्रेशन इसका माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए, लेकिन अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी आपकी आई हॉरिजेंटल लाइन पर, तब आपको क्या करना है, तब आपको ठीक उल्टा कर देना है, जैसे कि हम फ्लाइंग वेज में कर रहे थे। वहां पर अगर अबव द प्लेन आ रहा था तो हम ठीक उल्टा कर रहे थे, बिल्कुल वही चीज हमें यहां पर भी करनी है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर आया तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा एस, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आर। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिंपल वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग ही चलिए। और आप कैसे देखिए, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पर हम इसको वन नंबर दे देंगे, ऑक्सीजन है क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि दो कार्बन है तो ये टू हो जाएगा, और ये थ्री और ये फोर। तो हमने मूवमेंट देखा वन टू थ्री, तो जब हम वन से टू से थ्री की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग क्या लिख रहे थे, एस। लेकिन अब हम चेक करेंगे हमारी फोर्थ प्रायोरिटी, तो फिशर प्रोजेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो इसलिए जो हमारा एस निकला वो एस ना निकल के उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर। तो आपको चलना बिल्कुल उसी हिसाब से, जैसे वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग मूवमेंट जो देखते हैं हम, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। और बस आपने देखना है कि अगर वर्टिकल लाइन पर है तो जो आंसर आएगा वही लिख देना है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर आया तो वो आंसर काट कर आपको दूसरा लिखना है बस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, फ्लोरीन को फर्स्ट नंबर जाएगा, क्लोरीन को टू, ड्यूटीरियम को थ्री और हाइड्रोजन को फोर। मैंने आपको बताया था अगर आइसोटोप्स होंगे तो जिसका भी, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो जहां पर भी एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा होगा बस अब उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। तो इसलिए हमने यहां पर डी को थ्री दिया है और इसको फोर, हाइड्रोजन को तो हमेशा ही फोर मिलनी है। अच्छा, अब हम फिर से मूवमेंट देखेंगे, ये हम वन पे गए फिर टू और थ्री, तो वन टू थ्री अगर हमारा मूवमेंट देखें तो हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए एस होना चाहिए। लेकिन अब हम चेक करेंगे अपनी फोर्थ प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी हम बिलो द प्लेन याद कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस केस में वो वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए, लेकिन ये वर्टिकल लाइन पर ना होकर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए एस ना होके आर हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में देखें। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास दो एसिमेट्रिक सेंटर हैं, एक तो ये कार्बन हो जाएगा और एक ये कार्बन हो जाएगा। अब देखें इस कार्बन से, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहां पर डायरेक्ट अटैच एटम दिख रहा है ऑक्सीजन, बाकी सब ये कार्बन है और यहां नीचे भी कार्बन है, तो हमने इसको नंबर दे दिया वन, और क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है तो इसको तो हम फोर दे देंगे। अब बचा हमारा ये ग्रुप और एक नीचे वाला ग्रुप, तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो फिर से सी एच ओ आया, यानी कि ये कार्बन, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ये कार्बन जो है दो ऑक्सीजन से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन से, तो अगर हम इसकी कनेक्टिविटी लिखें तो ओ ओ एच आ जाएगी। अच्छा, नीचे वाले कार्बन की बात करें, ये वाला कार्बन देखिए डायरेक्टली अटैच्ड है एक ऑक्सीजन से, तो हमने यहाँ ऑक्सीजन लिखा, इधर देखा वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो हमने हाइड्रोजन लिखा, और नीचे देखा वो कार्बन से अटैच्ड है तो हमने कार्बन लिखा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऑक्सीजन आ रही है, जबकि यहाँ देखें तो हमारे पास दो ऑक्सीजन आ रही है, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा हो जाएगी इसके कंपेरिजन में। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि सिमिलर सिमिलर एटम्स आपको कैंसिल कर देने, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हुआ, इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन कैंसिल हुआ, और यहां पर एक ऑक्सीजन बचा और यहां पर कार्बन, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, तो हमने इसको टू नंबर दिया और नीचे वाले कार्बन के लिए हमने थ्री नंबर दिया। अब हम मूवमेंट देखेंगे, तो मूवमेंट अगर हमने देखा वन टू थ्री, तो वन टू थ्री अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या डायरेक्शन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लिख लेंगे एस। लेकिन अब हम चेक करेंगे अपनी फोर्थ प्रायोरिटी को, तो फोर्थ प्रायोरिटी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रही है, तो कायदे में हमारी वर्टिकल लाइन हमने याद की हुई है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आ रही है तो एस काट के हम आर लिख देंगे। तो आप मूवमेंट सिंपल सिंपल जो भी आपका बन के आ रहा है आर या एस वो लिखिए, और फिर उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी आप जरूर चेक कीजिए, चाहे फ्लाइंग वेज हो चाहे फिशर प्रोजेक्शन हो। अच्छा, अब हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम है ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने इसको दे दिया नंबर वन, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये गया नंबर फोर। अब इसमें और इसमें अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इसका तो मैंने आपको क्या बताया, अभी इस ये कार्बन किस किस से अटैच्ड है, CH2OH, ये दो H हैं यहाँ पर और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और अगर हम इस कार ये वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो अब हम फिर से जो सेम
एटम्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे। तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल, अब यहाँ बचा कार्बन और यहाँ बचा हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसलिए हम इस वाले ग्रुप को यानी ऊपर वाले ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसलिए इसका नंबर हो जाएगा 2 और नीचे का हो जाएगा 3। तो अब हम अगर मूवमेंट देखें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमने लिख लिया एस। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी फोर्थ प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रही है, तो इसलिए ये एस कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आर। तो दोनों का कॉन्फिगरेशन जो है, दोनों कार्बन एटम का यहां पर आर निकलेगा। नेक्स्ट एटम पे मूव कर जाइए। अच्छा, अब इसमें क्या चीज ध्यान रखने वाली है, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में आपने क्या देखना है, एक तो सबसे ऊपर टॉप पर CHO ग्रुप हो और बॉटम पर CH2OH हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन है यानी वो कार्बोहाइड्रेट है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ OH को देखना है कि वो किस साइड प्रेजेंट है। अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो आपको लिखना है R। उसका कन्फिग्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। कन्फिग्रेशन आप निकालेंगे तभी भी वही आंसर आएगा। जैसे ये OH देखिए यहां पर राइट हैंड साइड पर था तो इसका कन्फिग्रेशन R निकला था, यहां पर भी OH राइट हैंड साइड पर था तो R निकला था, लेकिन अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो कन्फिग्रेशन यहां पर S निकलेगा, जैसे कि इस केस में हम यहां पर देख ही रहे हैं। ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, अगर आप यहां पर भी निकाल के देखेंगे तो आर एस एस ही आएगा। तो आपने ये बात याद कर लेनी है कि अगर CHO टॉप पर हो और CH2OH बॉटम पर है, तो फिर जब भी OH प्रेजेंट होगा राइट साइड पर तो आपने लिखना है R, और OH प्रेजेंट होगा लेफ्ट साइड पर तो आपने लिखना है S। लेकिन ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, यानी ऊपर CHO होगा और नीचे CH2OH होगा, अदरवाइज ऐसी कोई, तब तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा दूसरी किसी कंडीशन में। लेकिन CHO ऊपर और CH2OH नीचे है तो हमेशा राइट हैंड साइड के लिए R और लेफ्ट हैंड साइड OH के लिए S लिखना है। तो अगर आप इनको निकाल के भी देखेंगे तो इनका आंसर R S S ही आएगा। तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अच्छा, जैसे हम यहाँ इस वाले केस में देखें, ये CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है, तो बस हमें सिर्फ OH को देखना है। OH यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है इसलिए R, राइट राइट के लिए R लगता है, हम लिखते भी राइट को ऐसे तो है, तो R से R आप याद भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पर है तो R, ये भी राइट हैंड साइड पर है R, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है इसलिए इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S, और ये राइट हैंड साइड पर तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे यहां पर देखें, यहां पर ऊपर CH3 और नीचे CH3, तो अब हम OH को निकाल के देखेंगे। यहां पर OH के लिए खाली R नहीं लिख सकते हम, क्योंकि अब कंडीशन हमारी, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो नॉर्मल एक मॉलिक्यूल जैसे अदर्स होते ही है वैसे ही है ये। अब हम यहां निकाल के देखेंगे इस कार्बन की कि क्या कॉन्फ़िगरेशन निकल रहा है। तो अब अगर आप यहाँ मूव करें तो ये क्योंकि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहाँ पर जा रहे हैं तो कार्बन है, यहाँ भी जा रहे हैं तो कार्बन है, और ये तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा, ऑक्सीजन को दे देंगे हम नंबर 1। अगर हम ऊपर मूव कर रहे हैं तो इस, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो हम नेक्स्ट एटम पर मूव करेंगे, इसके नेक्स्ट एटम है तीनों के तीनों हाइड्रोजन। और अगर हम यहाँ की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट एटम है, एक है Br, दूसरा है H और तीसरा है कार्बन, तो जाहिर सी बात है इसको जो है ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो हमने इसको नंबर 2 दिया और यहाँ पे नंबर 3, और फिर से हम मूव कर रहे हैं, तो ये 1 2 3, हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज के लिए हम लिखते हैं R। लेकिन अब हमें फोर्थ प्रायोरिटी चेक करनी है, फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रही है, इसलिए R ना होके ये S हो जाएगा। अब फिर से हम इस वाले कार्बन के लिए मूव करेंगे, इस वाले कार्बन का अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो फिर से ये Br है, तो Br को तो नंबर 1 देना है, हाइड्रोजन को नंबर 4, सिर्फ चेक करना है इसमें और इसमें। तो जाहिर सी बात है ये तो क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन है, जहां भी हाइड्रोजन होते हैं वो तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी जाता है। और यहां की अगर हम बात करें तो इसका एक एटम ऑक्सीजन है, एक एटम हाइड्रोजन है और एक एटम कार्बन है, तो इसलिए ऊपर वाले बॉन्ड के लिए हम 2 नंबर लिखेंगे, नीचे वाले ग्रुप के लिए हम 3 नंबर लिखेंगे। और फिर हम मूव करेंगे, मूवमेंट देखा 1 2 3, कैसे मूव कर रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने एस लिखा, लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो इसलिए एस ना होके ये आर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट इस वाले ग्रुप में। अब यहां पर ऊपर COH है, नीचे भी COH है, तो इसके लिए भी हम निकाल के देखना पड़ेगा। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि OH अगर राइट हैंड साइड पर है तो R निकलेगा, वो हमें सिर्फ तभी करना है जब ऊपर CHO और नीचे CH2OH है। अब हम फिर से निकाल के देखते हैं, अब सबसे पहले इस वाले कार्बन के लिए। अब इस वाले कार्बन में क्योंकि यहाँ OH है तो OH को तो हमेशा ही नंबर 1 मिलना है,
एच को हमेशा नंबर 4 मिलना है। इस ऊपर वाले कार्बन और नीचे वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ऊपर वाला कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड ओ हो गया है तो इसका मतलब ये वाला कार्बन दो ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये हो गया दो ऑक्सीजन और ये हो गया एच। तो अब कायदे में देखा जाए तो तीन ऑक्सीजन हो गई, एक OH की भी ऑक्सीजन हो गई, तो ये कार्बन तीन ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो हमने इसकी कनेक्टिविटी को यहाँ लिख दिया। और इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर तो क्योंकि तीन ऑक्सीजन थी इसलिए हमने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी और नीचे वाले को कम, तो ये टू नंबर हो गया और ये थ्री। फिर हम मूव करेंगे तो 1 2 3 कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लिखते हैं एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हमारी फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो एस ना लिख के ये हो जाएगा आर। अब हम इस वाले कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले जब इस कार्बन की बात करेंगे फिर ओ एच को नंबर 1 जाएगा, सी ओ एच को नंबर 2 जाएगा और ये ऊपर वाले बॉन्ड को नंबर 3 और इसको 4, तो फिर से हम मूव कर रहे हैं 1 2 3। तो जब हम 1 2 3 ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज के लिए हमने लिखा आर, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है इसलिए आर ना होके ये हो जाएगा एस। अब हम आते हैं इस वाले ग्रुप पर, इस वाले सॉरी ग्रुप कह रही हूँ मैं, इस वाले कार्बन पर। अब ये कार्बन अगर हम देखें ये कि क्या ये एसिमेट्रिक सेंटर है भी या नहीं, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो है एसिमेट्रिक सेंटर है ही नहीं। कैसे, इस कार्बन से एक तो एच जुड़ा हुआ है, एक ओ एच जुड़ा हुआ है और एक ये बॉन्ड से ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है और नीचे वाले बॉन्ड से ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस ग्रुप और इस ग्रुप की देखें क्या क्या ग्रुप्स हैं इसमें, भाई यहाँ भी सी ओ एच है तो इधर भी सी ओ एच है, ये भी ओ एच है, ये भी ओ एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, यानी कि ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सिमिलर हैं। तो अगर हम इसके कार्बन की जैसे मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो ये एच है, ये ओ एच है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप है, जो भी कोई ग्रुप है मैंने पूरा लिख दिया, और ये ग्रुप, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्योंकि सेम है इसलिए ये कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर कहलाएगा ही नहीं। एसिमेट्रिक सेंटर से मतलब होता है जब ये चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ये एसिमेट्रिक सेंटर हुआ ही नहीं। लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, कि जो एक्चुअल में नहीं है, ये झूठा एसिमेट्रिक सेंटर है, सच्चा वाला नहीं है। सच्चे वाले होने का मतलब होता है कि चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हो। अब इसको सूडो एसिमेट्रिक सेंटर हम क्यों कह रहे हैं, देखिए अगर हम ऊपर का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो निकल रहा है आर, और नीचे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो एस, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ आर और इसको लिख देती हूँ एस। अब मैंने जब आपको सीआईपी रूल समझाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी आपको एक साइड आर कॉन्फ़िगरेशन हो और एक साइड एस कॉन्फ़िगरेशन हो तो हमेशा आर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एस से। तो अब अगर हम उसके अकॉर्डिंग इसको वो दें, नंबरिंग करें इसकी, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये तो 4 रहेगा ही रहेगा, और नंबर 2 हम किसको देंगे, इस आर को, और एस को क्या नंबर देंगे, इसको हम देंगे 3। और अब अगर हम अपना मूवमेंट देखें तो 1 देख रहे हैं, फिर 2 देख रहे हैं और फिर हम 3 देख रहे हैं, तो हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम एस लिखते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि हमारी फोर्थ प्रायोरिटी कहां जा रही है, फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर जा रही है तो एस ना होकर ये आर हो जाएगा, तो हमने इसको काट दिया। अब ये यहां पर हम कैपिटल आर नहीं लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि ये एक सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर में ये स्मॉल एस था और इसका बन गया स्मॉल आर, तो इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो होगा स्मॉल आर। अब ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी कार्बन से किसी ऐसे एसिमेट्रिक, कोई ऐसा एसिमेट्रिक सेंटर जिससे दो तो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों और दो सिमिलर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना आप, ये भी सिमिलर ग्रुप था और ये भी सिमिलर, ये दोनों एक जैसे ग्रुप है, जब दो सिमिलर ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं लेकिन उनका कन्फिग्रेशन डिफरेंट होता है, एक का कन्फिग्रेशन निकला आर और एक का कन्फिग्रेशन निकला एस, तब हम उसको बोल देते हैं सूडो एसिमेट्रिक सेंटर, क्योंकि तब हम नंबरिंग कर पा रहे हैं किस बेसिस पर, इसके आर और एस के बेसिस पर। तो अगर हम एटम की बात करें या ग्रुप की बात करें वो तो सिमिलर थे इसलिए ये कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं था, लेकिन क्योंकि उनका कन्फिग्रेशन अलग अलग था, डिफरेंट था, तो उस बेसिस पर हमने इसको प्रायोरिटी दे दी और उस प्रायोरिटी के बेसिस पर हमने इसका
कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो निकला हमारा एस, तो वो स्मॉल एस लिखते हैं उसको, क्योंकि कैपिटल एस तो हम एसिमेट्रिक सेंटर, जो ट्रू एसिमेट्रिक यानी कि सही में जो एसिमेट्रिक सेंटर होता है उसके लिए लिखते हैं, लेकिन ये तो फॉल्स एसिमेट्रिक सेंटर है, सच में तो नहीं है ये, हमने सिर्फ समझ लीजिए मान लिया है इसको, तो इसलिए हमने इसको स्मॉल एस लिखा, लेकिन स्मॉल एस नहीं था क्योंकि हमारी फोर्थ प्रायोरिटी जो थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे थी, तो इसलिए हमने इसको काटा और इसका निकला आर। तो अगर ऐसा एसिमेट्रिक सेंटर जिसके दोनों साइड सिमिलर ग्रुप्स हैं लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तब हम ऐसे सेंटर को बोल देते हैं कि वो एक सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो यही OH को हमने नंबर वन दिया, ये नंबर टू हो जाएगा, यहाँ नंबर थ्री और ये नंबर फोर, जैसे हमने ऊपर दिया था बिल्कुल वैसे ही। अब अगर हम मूव करेंगे तो देखिए 1, 2, 3 हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो इसलिए एस ना होके ये हो जाएगा आर, इसलिए मैंने यहां पर इसको आर लिखा। अब अगर हम नीचे वाले एटम की बात करें, फिर से हमने प्रायोरिटी दी 1, 2, 3, 4, अब अगर हम मूव कर रहे हैं 1 से 2 से 3 तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ऐसा आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पर हो चाहे वो राइट हैंड साइड पर है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसलिए एस ना होके ये हो जाएगा आर। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये एक सूडो एसिमेट्रिक सेंटर होगा, देखिए इससे एक एच है और एक ओ एच है, लेकिन ये ग्रुप भी सेम है और ये ग्रुप भी सेम है, तो अब क्या हुआ ये एसिमेट्रिक सेंटर तो रहा नहीं, लेकिन सूडो एसिमेट्रिक सेंटर के लिए क्या था कि जो भी दो ग्रुप सिमिलर थे उनका कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन भी आर है और नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन भी आर है, तो अगर मैं इस कार्बन एटम को बनाऊं तो यहां पर एक OH है, एक तरफ H है, इधर की साइड भी R कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्रुप है, इधर की साइड भी R कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्रुप है, तो यानी कि दोनों के दोनों सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, तो जब दोनों सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है तो हम प्रायोरिटी तो दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए अब ये कोई सूडो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं रहा, इसलिए यहां पर लिखा गया नॉट अ सूडो एसिमेट्रिक सेंटर, ना तो ये एसिमेट्रिक सेंटर है और ना ही ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है। तो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो दो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम उसको सूडो एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं और उसको हम स्मॉल आर या स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं, तो वो तो इसी बेस पे कि आपने मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरह से हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और है कि मिरर इमेज ऑफ आर इज ऑलवेज एस, S की मिरर इमेज हमेशा R होगी और R की मिरर इमेज हमेशा S होगी, जैसे मैंने आपको DL नॉमनक्लेचर में भी बताया था कि D की जो मिरर इमेज होती है हमेशा L होती है और L की मिरर इमेज हमेशा D होती है, तो ऐसे ही R की मिरर इमेज हमेशा S निकलेगी और S की मिरर इमेज हमेशा R निकलेगी। कैसे देखिए, सपोज ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पर फिर से हमने इसको प्रायोरिटी दी, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, हम मूव करें 1, 2, 3, कैसे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमें फोर्थ को तो देखना नहीं, हमें सिर्फ 1, 2, 3 करना है, 1, 2, 3 जैसे ही हम घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो इसलिए आर ना होके इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस। अब अगर हम इसी की मिरर इमेज बनाएं, मिरर इमेज हमने साइड में मिरर रखा हुआ है, यहां पर जब हम मिरर रखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर चीज होती है वो हमें राइट हैंड साइड पर दिखती है और जो राइट हैंड साइड पर होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिखती है, जो टॉप होता है वो टॉप, वो बॉटम होता है वो बॉटम ही दिखता है। ये मिरर इमेज भी हम अभी आगे आने वाले वीडियोज में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल की तो इतना ही समझ लीजिए, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर ये राइट पे था तो इसलिए यहां पर ये लेफ्ट पे हो गया मिरर इमेज में, और ये लेफ्ट पे था तो यहाँ ये राइट हो गया। अब हम इस फिर से इसको नंबरिंग कर रहे हैं यानी प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 1, 2, 3 जैसे ही हम मूव कर रहे हैं इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने लिखा एस, लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रही है तो इसलिए एस ना होके ये आर हो जाएगा। तो आपने देखा ये इसका कॉन्फ़िगरेशन था एस और इसकी मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर। तो कभी भी अगर आपको मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन बनाने को तो वैसे नहीं आता है ऐसे, पर कई बार मॉलिक्यूल बहुत सारे दिए हुए होंगे और आपको पूछा जाएगा कि भाई इसका आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस, तो अगर कोई दो मिरर इमेज आपको जैसी लग रही हो तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी एक का ऐसे तो दूसरे का आर हो जाएगा और किसी का आर है तो वो एस हो जाएगा। तो ये पूरा था फिशर प्रोजेक्शन में हम कैसे जो नॉमनक्लेचर है आर या एस दे सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में बस आपको याद रखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए और वर्टिकल लाइन कायदे में हमारी बिलो द प्लेन ही होती है, तो चाहे तो आप वर्टिकल लाइन याद कर लीजिए चाहे आप बिलो द प्लेन याद कर लीजिए, तो बस आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन का ध्यान रखना है।
और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो जो भी आपका मूवमेंट है बस उसका उसके हिसाब से वो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हमें क्या याद करना है, वर्टिकल लाइन पर है तो क्या याद करना है। तो फ्लाइंग वेज में आपको फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन याद रखनी है, और फिशर प्रोजेक्शन में आपको फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।